मध्य प्रदेश के इंदौर में दो दिन पहले एक मॉडल का ट्रैफिक सिग्नल पर नाचते हुए वीडियो सामने आया और उसके खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज किया था। और अब जेब्रा क्रॉसिंग पर एक युवक का स्टंट करते हुए वीडियो सामने आया है और जो सोशल मीडिया पर अब वायरल हो रहा है। वही पुलिस युवक के वीडियो को उसी स्थान का बता रही है जहां मॉडल ने डांस किया था। बता दें कि इंदौर का जो नया वीडियो वायरल हो रहा है, इसमें युवक जेब्रा क्रॉसिंग पर जंप लगा रहा है और वह हवा में उछलकर छलांग भी लगा रहा है और इसके चलते यातायात थमा हुआ है। वहीं यह वीडियो भी रमोसा चौराहे का बताया जा रहा है जहाँ कुछ दिन पहले मॉडल श्रेया कालरा ने डांस किया था। वहीं यातायात पुलिस अधीक्षक उमाकांत चौधरी का कहना है कि युवक का वीडियो गुरुवार को सामने आया है, लेकिन दोनों वीडियो एक ही दिन के बताए जा रहे हैं। साथ ही युवक की भी तलाश की जा रही है और विजयनगर थाने में युवक के खिलाफ धारा 290 के तहत मामला दर्ज किया गया है। बता दें कि पिछले दिनों इंदौर में रमोसा चौराहे की जेब्रा क्रॉसिंग पर डांस करते हुए एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें श्रेया कालरा नाम की एक लड़की डांस कर रही थी। वहीं इस मामले की तूल पकड़ने के बाद मॉडल के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था और बाद में श्रेया ने अपनी सफाई में भी एक वीडियो जारी किया था। देश और दुनिया की ताजा खबरों के लिए कोबरा पोस्ट हिंदी को सब्सक्राइब करें और अलर्ट्स के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। और हाँ दोस्तों, साथ ही हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलिए।